पोषण अभियान के तहत फिरोजाबाद जिला अस्पताल में सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में नगर विधायक मनीष असीजा ने पहुंचकर मेले में आए बच्चों को पुरस्कार वितरण किया। कुपोषण के खिलाफ देश एवं प्रदेश की सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुपोषण अभियान में आज फिरोजाबाद जिला अस्पताल में सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक मनीष असीजा ने पहुंचकर स्वास्थ्य मेले में आए बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश में 21,000 ANM सेंटर खोले हैं, जिससे देश और प्रदेश से कुपोषण को जड़ से खत्म किया जा सके। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। नमक भी खाया है, मीठा भी खाया है, आपकी लड़ाई में लखनऊ में लगातार लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक मिनट थोड़ा पीछे आइए। बड़ा किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ रखा गया था, क्या क्या? कुपोषण के खिलाफ एक अभियान आज से प्रारंभ किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री महोदय ने लखनऊ में आज के सारे जिलों और ब्लॉक लेवल पे इनॉग्रेट किए हैं। उसमें ये है कि नेशनल सुपोषण अभियान, ये कुपोषण के खिलाफ एक अभियान है कि देश से हमें कुपोषण मिटाना है। इसमें यही है, BPO मैडम ने यहाँ आयोजित किया था हमारे परिसर में, जिसमें गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को इस संबंध में जागरूक किया गया कि उन्हें किस तरह से कुपोषण से बचना चाहिए। और इसका नारा यही है, इस अभियान का, सही पोषण होगा तो देश पोषण होगा, मेरी पहल मेरा वचन, ये पोषण। मैडम, जिस तरह से देखा जा रहा है आपकी ये गाइडलाइन है, ऊपर से आई है, जो मतलब आज प्रोग्राम हुआ है खुले में एक कैंप में बताया गया है, लेकिन ये यहाँ हुआ है जो ऊपर से पैसा मंजूर हुआ है, तो वो आप कहाँ लगाएंगे उस पैसे को? देखिए, ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, आप लोग कुछ गलत हो, ये BPO के अंदर में था, ये हमने तो सिर्फ स्थान दिया है। तो कल शाम को उन्होंने बताया कि हमें स्थान चाहिए, तो CDO मैडम ने आदेशित किया था, तो हमने स्थान दिया। हमारे मतलब सिर्फ विभागीय सहयोग था, मेरे कर्मचारियों ने काम किया है, बजट का ना मुझे कुछ पता है, हमने तो बस अपना स्थान दिया है। इसके लिए आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया, किस तरह का कार्यक्रम? राज्य पोषण मिशन में के अंतर्गत ये सुपोषण मेला आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर के 20,000 ANM सेंटर और लगभग 800-900 CHC में ये एक साथ एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के सुपोषण मेला और पोषण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा झुंझुनू में ये राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रारंभ किया गया, उसी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अति महत्वाकांक्षी और बहुत ही आधारभूत परियोजना, जो पूरे देश पूरे समाज के की नींव है, उसको मजबूत करने की ये योजना है। इसको हम लोगों ने बड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी अभियान के तौर पर बड़ी चुनौती के साथ इसको आज अंगीकृत किया है। उसी क्रम में पूरे 75 जिलों में भी ये कार्यक्रम हुए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं और उनको जन्म देने वाली, उनको स्तनपान कराने वाली या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता, उनका वर्गीकरण करना। जैसे कि बच्चा बहुत अधिक बीमार है या कमजोर है तो उसको लाल श्रेणी में रखा है, बच्चा कमजोर है, कुपोषित है तो उसको पीली श्रेणी में रखना, उनको चिन्हित करना, चिन्हित करके उनको विभिन्न प्रकार की, चाहे आयरन की कमी है उसको कंपनसेट करना, अगर उसमें कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है उसको चिंता से दूर कराना, या उसको अच्छा आहार देना, उस आहार से उस बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वजन, उसकी लंबाई, उसके अन्य जो पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य संबंधी वह ठीक हो, या बच्चों को पहले चिन्हित करना, उनमें ये देखना कि कितने कुपोषित हैं, कितने अति कुपोषित हैं, फिर उनको एक अभियान के तौर पर